हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है सुनील शर्मा, जो पाटर नागसनी से जीतकर इन्होंने अपनी दर्ज की है। सुनील जी, किस तरह से आप एक बार फिर लोगों ने आप पर भरोसा किया, आप जीत कर आए, तो क्या कहेंगे अपनी जीत को लेकर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लोगों का। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने वर्कर्स का, और तीसरे नंबर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी लीडरशिप का। इन तीनों के लगातार प्रयासों के कारण ये भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव हो पाई। लोगों ने भाजपा पे विश्वास जताया है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज पे विश्वास जताया है, इसीलिए मुझे दूसरी बार यहाँ पे एक अवसर दिया, यहाँ पे मौका दिया है। बहुत सारी उम्मीदें लोगों को है, बहुत सारी उम्मीदें लोगों को है, और इन उम्मीदों पर खरा उतरने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इनकी आशाएं, इनकी अपेक्षाएं हम पूरी कर पाए, इसके लिए दिन रात हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि जो कमी पेशी अभी विकास के नजरिए से है वो पूरी हो जाए। क्या लगता था आपको, किस तरह की फाइट आप इस बार देखते थे, क्योंकि आखिरी में आपने जो है इस जीत को दर्ज की? देखिए आतिफ साहब, सॉरी, शुरू से ही ये सीट भाजपा के पक्ष में थी। लीड ऊपर हो नीचे हो, अंततः हमें पता था भाजपा ने जीतना है, क्योंकि इस सीट पे भाजपा का जो स्ट्रांग काडर है वो बहुत मजबूत है, और उस काडर के आधार पे हमने ये माना था कि सीट जीतेंगे। ठीक है, कुछ स्टार्ट में जहाँ से जब ये काउंटिंग शुरू होती है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बेस्टियन रहा, ये एरिया जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड मिली, तो वो एक्सपेक्टेड था, वो स्वाभाविक था कि वो वोट, वो लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानी है, इसमें हमें कोई शक नहीं था। लेकिन हमें अपने वोटर पे, अपने लोगों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास था कि वो नहीं डगमगाएंगे, और वही रहा। शुरू में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर जहाँ तक था उनकी लीड मिली, और जब हमारे वोटर्स का प्रहार हुआ तो वो लीड हट भी गई और भाजपा विजयी हुई। लोगों के जो काम है यहाँ पर अगर देखा जाए, लोग काफी नाराज है पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, उनका कहना कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा। तो अब आप एक बार फिर एमएलए बन चुके हैं, तो किस तरह से आप लोगों की खिदमत करेंगे? देखिए, हमने ईमानदारी से लोगों की सेवा करनी है, और ये माने कि जो लोगों की अपेक्षाएं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पावर प्रोजेक्ट्स में लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और काफी हद तक यहाँ पे लोग लगे भी हैं, रोजगार कमा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए उन लोगों में नाराजगी जो है वो जायज है। उन लोगों को भी रोजगार मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन केवल पावर प्रोजेक्ट ही इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुद्दा नहीं है। इसमें स्कूलों की हालत को ठीक करना, पानी की हालत को दुरुस्त करना, बिजली को ठीक करवाना, सड़कें बनवाना, और अस्पताल और बने, डॉक्टर्स पहुंचे, स्टाफ पहुंचे, ये चैलेंजेस भी हैं, केवल पावर प्रोजेक्ट नहीं है। और एक विधायक के कंधे पे ये सारी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक का दायित्व तो निभाते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोगों की ये समस्याएं हैं पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा भी, और पावर प्रोजेक्ट को लेके भी, इन पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में नारा दिया था अब की बार 50 बार, हालांकि 50 बार तो नहीं हुई, लेकिन जो हार जहां पर आपको सीट का हुआ है, तो कहां पर गलतियां हुई है भाजपा से? देखिए, हारे तो बहुत कम सीटों पे जहाँ पे हमें उम्मीद थी, मैक्सिमम सीट हमने जीती। देखिए आतिफ साहब, ये जो जंग होती है ना, इसमें ये एक्सपेक्टेड होता है कि कहीं कमी, कहीं त्रुटि, कहीं ऐसी रहेगी, और अधिकांश लोगों ने, विशेषकर जम्मू संभाग में अधिकांश लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है, भाजपा पे विश्वास जताया है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी रखी है। विशेषकर जम्मू संभाग के लोगों ने दिल खोल के वोट दिया,
हालांकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे जम्मू को लेके, लोगों को लेके, आज जम्मू के लोगों ने पुनः सिद्ध कर दिया है कि वो भाजपा के साथ हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और आने वाले दिनों में इस जम्मू को हम अच्छी तरीके से सुसज्जित करें, यहाँ पे काम करें। जितने भी विधायक यहाँ से जीत के आए हैं, 29 MLA जो जीत के आए हैं, वो दिन रात एक करके ईमानदारी से लोगों की खिदमत करें, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हमारे लिए मेहनत का काम होगा। क्या कहेंगे सरकार जो बनने जा रही है अलायंस की? देखिए, ये सरकार जो है, मुझे लगता है कि इसकी बुनियाद ही झूठ पे है, फरेब पे है, जो झूठ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने दिखाया है। कांग्रेस को हरियाणा के लोगों ने भी सबक सिखाया, यहाँ पे भी इनको सबक मिला, लेकिन ज़बरदस्ती छटपटाहट में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे अपने आप को पार्टी जिंदा रखना चाहते हैं कांग्रेस को। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, आप यकीन माने, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो इस वक्त विश्वास जताया है, आज तक भी इन्होंने विश्वासघात किया है और इस बार भी ये विश्वासघात करेंगे। ये इनका गठबंधन पहली बार नहीं हुआ है, ये गठबंधन कांग्रेस की स्वर्गीय नेता जो हमारी प्राइम मिनिस्टर भी रही है, इंदिरा गांधी जी के टाइम भी हुआ है, ये गठबंधन स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम भी हुआ है, ये गठबंधन सोनिया गांधी जी के टाइम भी हुआ, और ये गठबंधन आज राहुल गांधी जी के टाइम भी चल रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को ठगा है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, और बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबक सिखाया है, लेकिन इस बार इन्होंने कश्मीर की जनता को गुमराह किया है, और वो थोड़े बहुत सीटें उन्होंने वहाँ से निकाली है। ये यकीन माने, ये इनका अंतिम पड़ाव है, और इस अंतिम पड़ाव के बाद इनका सफर खत्म होने वाला है। सुनील जी, आपको कश्मीर डिवीजन का इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन क्या वजह रही कि कश्मीर से आपको एक भी सीट जो है नहीं मिली? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि अभी जनाधार इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन हमें कुछ सीटों पर खाता खुलने की उम्मीद थी। बड़ा नज़दीक फाइट रही हमारी, बड़ी क्लोज फाइट रही कुछ सीटों पे, लेकिन हम जीत नहीं पाए। इसकी समीक्षा हम ज़रूर करेंगे, इसका चिंतन ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हम वहाँ पे, अभी अभी समझो वहाँ पे पार्टी का विस्तार हो रहा है, अभी वहाँ वहाँ अभी अभी वहाँ पे पार्टी बन रही है, आने वाले दिनों में हम और इसको मजबूत करेंगे, और जो उम्मीद हमें इस बार थी कुछ सीटें लेने की, अगली बार वो सीटें लेंगे। हालांकि ओपोजिशन ने यह भी कहा कि भाजपा ने यहाँ पर प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन लोगों ने उन प्रॉक्सी को भी जो है यहाँ पर बाहर कर दिया है, ताकि बीजेपी को यहाँ पर फायदा पहुँचे। भाजपा शुद्ध रूप से भाजपा का कैंडिडेट उठाती है, हमें किसी प्रॉक्सी पे ना यकीन है ना हम उठाते हैं। ओपोजिशन कुछ भी कहे तो उसको तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको सही मानना चाहिए, ये बातें आती है, लेकिन भाजपा अपने कैंडिडेट्स पे यकीन करती है। हमने बहुत वोट भी लिया है, इस वक्त सबसे बड़ी वोट लेने वाली पार्टी भाजपा ही है जम्मू कश्मीर में, और कोई नहीं है, तो इसे भी कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए कि वोट जिसने ज़्यादा लिया वो पार्टी बड़ी होती है। आखिर में, भाजपा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के टच में है सरकार बनाने में, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं ये बेबुनियाद बातें, बेसलेस बातें। भारतीय जनता पार्टी का जो रोल सामने आएगा वो रोल करेगी। स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ कि स्टेटहुड तो भाजपा ने वादा किया और स्टेटहुड आएगा, इसमें कोई शक नहीं। कब तक? वो मैं थोड़ी डिसाइड करने वाला हूँ, वो तो केंद्र केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, वो मैं नहीं डिसाइड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाजपा के सीनियर लीडर और पाडर नागसैनी के उम्मीदवार भाजपा से जो जीत का सामने आए हैं, सुनील न्यूज 18 के साथ बात कर रहे थे। नेटवर्क 18 के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन।